गरियाबंद में मौसम की बेरुखी किसानों को भारी पड़ने लगी है और बारिश नहीं होने के चलते फसल सूखने की कगार पर पहुंच चुकी है। खेतों में पानी की कमी के चलते दरारें आ गई हैं और फसल मुरझाने लगी है। जिन किसानों के पास ट्यूबवेल है वो भी फसल को पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहे हैं। किसानों का दावा है कि अगले 2-3 दिन में यदि बारिश नहीं हुई तो फसल पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। 4 एकड़ में फसल बोया है और वहाँ फसल पानी नहीं होने के चलते वहाँ पर सूख रहा है और अभी अगर मान लो 5 दिन अगर पानी आ जाती है तो फसल बच जाएगी। पानी नहीं गिरने के नाम से ब्यासी हो नहीं पा रहा है। हाँ, धान मर रहा है। हाँ, तो मतलब जिस स्थिति पे अभी किसानों का मतलब परेशानी है। हाँ, पानी यदि 3-4 दिन के अंदर पानी नहीं गिरता तो पूरा फसल खराब होने का संभावना। 3 दिन के अंदर वर्षा नहीं होती, 500 एकड़ जमीन की फसल, धान की फसल पूरी तरह चौपट हो जाएगी। और अधिक दिनों के हिसाब से यदि वर्षा नहीं होती है तो यहाँ की फसल आने में मुश्किल नहीं, महामुश्किल ही होगा।